हेलो फ्रेंड्स, मुलप्रिया स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन द्वारा 24 सितंबर को फूड सप्लाई सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में, आज हम उसको यहाँ पूरा फुल्ली सॉल्व करेंगे। और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन है उस पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट एग्जाम का वीडियो से अपडेट आप होते रहे। चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो कि रीजनिंग से है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ध्रुवीय भालू ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं तो हिम तेंदुआ कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर बी होगा अफगानिस्तान। और जिन क्वेश्चन के ऊपर टिक लगा हुआ है वो इसका राइट आंसर हो, बाकी क्वेश्चन पे आप फोकस ना करें। जिस पर टिक लगा हुआ है उस पर ही फोकस कीजिए क्योंकि ये किसी का पेपर है जो सोल्व किया गया है। क्वेश्चन नंबर टू है, वस्तु ग्राहक संविधान है तो विज्ञापन का होगा जनसंपर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीन में संख्या तीन से पांच तक दिए गए विकल्प विषम शब्द चूज करना है। विषम शब्द, तो तीसरे का राइट आंसर ए आई होगा यानी बी ऑप्शन होगा। चौथे का आंसर जी आई क्यू होगा यानी डी आंसर होगा। और पांचवे का आंसर सी होगा यानी जे आर सिक्स इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न सिक्स से एट तक निम्नलिखित सूचनाओं को ध्यानपूर्वक पढ़े और निम्न प्रश्नों में। एक ताक पर 50 विभिन्न विषयों की पुस्तकें था, इतिहास 8, भूगोल 7, साहित्य 13, मनोवैज्ञानिक 8 और विज्ञान 14 की पुस्तकें रखी हुई है। वे कार्यक्रम में इस शर्त पर व्यवस्थित की गई है कि कोई भी दो समान पुस्तकें एक साथ नहीं रखे जाए। तो इन निम्नलिखित क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, 40वीं पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर डी होगा, साहित्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर सेवन है, मनोविज्ञान की अंतिम पुस्तक की स्थिति क्या है? तो इसका राइट आंसर 38 होगा। देखो दोस्तों, हम ये रीजनिंग क्वेश्चन यहाँ आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो हम इसको आपको सिर्फ आंसर आंसर बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर एट है, दाई ओर से गिनती करने पर 39 पुस्तक किस विषय संबंधित है? इसको राइट आंसर ए होगा, इतिहास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन वाला, यदि आने वाले कल के बाद का दिन शनिवार है तो बीते हुए कल के तीन दिन पहले कौन सा दिन था? तो इसका राइट आंसर ए होगा, रविवार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 से 12 तक सीरीज के क्वेश्चन है। तो सीरीज के 5, 7, 5, 2, 7, 9, 16, 25 नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट डिजिट पूछे तो इसमें नेक्स्ट डिजिट आएगी 41, राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बीच का डिजिट पूछिए तो इसका राइट आंसर ए होगा, 101 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 90, 180, 12, 50, 100 तो बीच का अक्षर पूछा है तो इसमें राइट आंसर 150 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3, 2, 4, 6, 7, 8, 9 की संख्या को आरोही क्रम व्यवस्थित, इनको आरोही क्रम व्यवस्थित करना है तो कितने ऐसे अंक होंगे जो उसी स्थान पर स्थित रहेंगे? जब इस संख्या को आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो दो ऐसे डिजिट होंगे जो अपने ही स्थान पर रहेंगे, तो इसका राइट आंसर सी होगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद क्या होगा? तो ये अल्फाबेट दिए गए हैं सीरीज में तो इसका नेक्स्ट अक्षर होगा एफ होगा, तो इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ये वर्ड दिए गए हैं इन शब्दों को ऐसे इनके जोड़े तैयार करने हैं तो उनके बीच में जो वर्ण है अंग्रेजी वर्णमालम कितने होंगे? तो इसका राइट आंसर ए होगा, 1 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 से 20 निम्नलिखित सूचनाओं को ध्यानपूर्वक पढ़े और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो 16 का राइट आंसर होगा, एन के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो एन के दाईं ओर तीसरे स्थान पर डी बैठा है, डी आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं, ये तीनों नहीं बैठे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एम के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है? तो एम के बाईं ओर दूसरे स्थान पर एस है, तो राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी और एस के बीच कौन बैठा है? तो पी और एस के बीच एन बैठा है, तो राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यू और एस के बीच कुल कितने लोग बैठे हैं? तो क्यू और एस के बीच कुल दो, एक साइड से दो बैठे हैं और एक साइड से तीन बैठे हैं, तो राइट आंसर डी होगा, दो या तीन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी और एम के बीच कौन बैठा है? तो टी और एम के बीच जो बैठा है वो इनमें दिए नहीं गए, तो इसका राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 और 22 में लुप्त पद ज्ञात करना है, तो 21 का राइट आंसर होगा डी, वी आएगा, और 22 का राइट आंसर ए होगा, 22 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न चित्र में कितने डाचे हैं? तो इनको काउंटिंग करें तो इन डाचों की संख्या 16 है, तो राइट आंसर डी होगा, 23 का। 24 है, यह अक्षर दिया गया है, इसके ये अर्थपूर्ण शब्द बनाने दो, कितने शब्द बन सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा, दो, एक दो ट्रेल होगा, एक ट्रायल होगा।
इसके दो आन दो बनेंगे तो इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक अरेंजमेंट है जो ऊपर से नीचे की ओर, तो 25 का राइट आंसर सी है, यानी कि ऐसा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हरियाणा जी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए तो ये क्वेश्चन डिस्कस करती हैं। 26 का आंसर होगा, कौन सा जिला श्री पद जनपद के नाम जाना जाता है, तो जो राइट आंसर ए होगा, कुरुक्षेत्र को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा जिला स्मार्ट सिटी की सूची में शामिल है, तो इन तीनों को छोड़ के इसका राइट आंसर होगा सी, करनाल स्मार्ट सिटी में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में इस समय कितने जिले हैं, तो हरियाणा में इस समय 22 जिले, लास्ट वाला जिला चरखी दादरी बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में पटौदी का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका राइट आंसर ए आएगा, अकबर अली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता फोगट और बबीता फोगट कहाँ की रहने वाली है, तो ये बलाली जो कि पहले भिवानी थे और अब चरखी दादरी में, इसका राइट आंसर ए होगा, बलाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म अभिनेता आमिर खान इस फिल्म में किसका किरदार निभाया है, तो जो दंगल फिल्म है उसमें उन्होंने महावीर सिंह फोगट का किरदार निभाया है, इसका राइट आंसर बी होगा, जो कि गीता फोगट और बबीता फोगट के पिताजी थे और उनके कोच भी थे, और महावीर सिंह फोगाट को गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है, राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतने वालों में प्रथम महिला कौन थे, तो प्रथम महिला इनमें राइट आंसर डी होगा, गीता फोगट ने प्रथम स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोहर ज्योति योजना के तहत हरियाणा सरकार कितनी सौर प्रकाश प्रणाली लगाएगी, तो इसका राइट आंसर सी होगा, 1,00,000 लगाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1924 में जमींदार लीग की स्थापना की थी, तो इसका राइट आंसर सी होगा, चौधरी छोटू राम ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य सरकारी सहकारी बैंक ने कब से कार्य करना प्रारंभ किया था, तो इसका राइट आंसर ए होगा, नवंबर 1966 से कार्य करना प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत पूरनमल का मेला गुरुग्राम के किस स्थान पर आयोजित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ए होगा, कासन गांव में उसमें आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में अब तक सर्वाधिक लंबी अवधि का कार्यकाल किस राज्यपाल का रहा है, तो इसका राइट आंसर ए होगा, बी एन चक्रवर्ती का रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे, तो इनमें ए भगवतदास शर्मा, बी राव वीरेंद्र सिंह, सी बनाईधर, ये सभी मुख्यमंत्री थे। राइट आंसर डी होगा, हरी आनंद बरारी जो कि मुख्यमंत्री नहीं थे हरियाणा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना करनाल में कब हुई थी, तो इसकी स्थापना करनाल में 1955 में हुई थी। राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन हॉकी खिलाड़ी नहीं है, तीन तीनों को छोड़कर डी इसका राइट आंसर, तेजवर सिंह हॉकी खिलाड़ी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन ओलंपिक खेलों में शामिल इनमें से कौन हरियाणा राज्य से निवासी नहीं है, तो योगेश्वर दत्त, विजेंद्र और कृष्ण पुणे तीनों हरियाणा के निवासी हैं, पर डी सुशील कुमार हरियाणा के नहीं हैं, ये दिल्ली के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो इसका इन जो कथनों में इनमें तीन सही है और एक गलत है, इसका राइट आंसर होगा बी, गुरुग्राम हरियाणा का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, तो इसका राइट आंसर बी होगा, क्योंकि ये गलत है, इसमें फरीदाबाद आएगा राइट आंसर यदि देखा जाए तो, जब जनसंख्या वाला, तो इसका राइट आंसर बी होगा, गुरुग्राम हरियाणा का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, तो ये गलत है, तो राइट आंसर बी है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले की जनसंख्या 1,00,000 से कम है, तो इसका राइट आंसर डी होगा, रेवाड़ी है जिसकी जनसंख्या 1,00,000 से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने राजीव गांधी परिवार बीमा योजना कब शुरू की थी, तो यह योजना 1 अप्रैल 2006 को शुरू की गई थी, तो इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के तहत 18 से 65 वर्ष की आयु के बीपीएल परिवार को संचालक को कितनी राशि आर्थिक सहायता के रूप में दी जाती है, तो इसका राइट आंसर बी है, 10,000 रुपये दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने बेटी अपना धन के अंतर्गत हरियाणा सरकार लड़की के जन्म पर गरीब महिलाओं को कितनी राशि नकद दी जाती है, तो इसका राइट आंसर बी है, 500 रुपये दी जाती है, और इससे रिलेटेड नेक्स्ट पेपर आने वाले नेक्स्ट पेपर में पूछा जा सकता है, जो ये पूछा जा सकता है कि अपनी बेटी अपनी धन योजना इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1984 को इसकी शुरुआत हुई थी, और इसका उद्देश्य है बेटी के स्तर को परिवार और समाज में ऊंचा उठाना और लोगों के विचारों में बदलाव लाना, यानी जिससे बेटियों को प्राय धन न मानकर अपना धन माना जाए, और इस योजना का लाभ है, इस योजना के अंतर्गत जो कि महिलाएं होती है उनको 500 रुपये दी जाती है ताकि उनकी खुराक ठीक से मिल सके। ये आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वाले पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो आप ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 सितंबर 1857 को लाल किले के सामने किस देशभक्त को फांसी पर लटका दिया गया था,
तो इसका राइट आंसर है अब्दुल रहमान खां को फांसी पर लटका दिया गया था 23 सितंबर 1857 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है, चौधरी लोरी सिंह किस जिले से संबंधित रखते हैं? तो ये हिसार जिले से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के हरिकेन के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर योग कपिल देव को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौधरी बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री कितने बार बने? तो इसका राइट आंसर डी होगा, ये बहुत कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा डी। और कब से कब तक बने, एक बार ये और सुनिए, ये पहली बार 31 मई 1968 से 13 मार्च 1972 के बीच बने, दूसरी बार 14 मार्च 1972 से 30 नवंबर 1975 तक, और तीसरी बार 5 जून 1986 से 19 जून 1987 तक बने, और चौथी बार 11 मई 1996 से 23 जुलाई 1999 तक बने। तो ये कुल 4 बार मुख्यमंत्री बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हम नेक्स्ट मैथ का सेक्शन आ गए, इसको भी जल्दी आंसर को टिक लगा लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 51 का है, जो इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 है, एक त्रिभुज के कोणों का माप 2:7:11 है, अनुपात में है, तो कोणों का माप क्या कहिए? तो इसका राइट आंसर बी होगा, 1863/99। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि √3 की इक्वल है 17321 है, तो √192 - 1/2 √18 - √75 का दशमलव के 3 स्थानों तक सही मान ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा 1732, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर सी है, 4.5। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर सी है, 47 सही 2/3। क्वेश्चन नंबर 56 है, इसका राइट आंसर ए होगा, 3.696 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर बी है, 400। और क्वेश्चन 58 से 62 के बीच इसका राइट आंसर, 58 का राइट आंसर ए है, 11 सही 1/9%। क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर है 1988 से 1989 तक। क्वेश्चन नंबर 60 है, इसका राइट आंसर है 200%, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 है, इसका राइट आंसर बी है, 19:29। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, इसका राइट आंसर डी है, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, इसका राइट आंसर बी है, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 64 है, इसका राइट आंसर बी है, 20 / √3 √1, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65, इसका राइट आंसर है बी, 6%। क्वेश्चन नंबर 66 है, आधि उपसर्ग का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर ए है, श्रेष्ठ और ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपसर्ग का विन्यास सुनिए, तो 67 है, इसका अप्रत्याशित है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, ए प्लस प्रति प्लस आ प्लस सिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 का राइट आंसर डी होगा, हबी प्लस सम प्लस नी प्लस विष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, इसका राइट आंसर सी होगा, परी प्लस उत प्लस स्थान, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, इसमें 4 वाक्य दिए गए, इनमें से राइट चुनना है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, ईश्वर की कृपा से सानंद पहुंच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 है, इसका भी राइट आंसर सी होगा, कोमल लागनी सीताराम के साथ वन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, इसको अरेंज करना है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, ले रे ये वे, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, इसको भी अरेंज करना है, तो इसका राइट आंसर सी होगा, वे ये ले रे, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, इसका राइट आंसर होगा, जो मृगावती है वो कुतुब वन से है, और जो मधुमालनी है वो मंजन से है, और जो चंद्रयान है वो उस ये मुल्ला दाऊद है, और जो नेक्स्ट है डी वाला अखरावाट है वो है जायसी, तो इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकाल का वह कवि जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य का अमर हो गया, तो इसका राइट आंसर सी है, बिहारी। नेक्स्ट सेक्शन नेशनल जीएस का है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का शासनकाल में निम्नलिखित में से किसे नव मुस्लिम कहा जाता था, तो इसका राइट आंसर ए होगा, मुगल को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सीरी के किले की स्थापना की थी, तो इसका राइट आंसर सी होगा, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का स्थान किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका राइट आंसर सी होगा, सिंधु नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में युद्ध का देवता किसे माना जाता है,
तो इसका राइट आंसर होगा बी, इंद्र को माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक हिंदू मन सरदार थे? तो इसका राइट आंसर होगा ए, अकबर के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे के प्रार्थना समाज की स्थापना करने के लिए महादेव गोविंद राणा ने किसने प्रभावित किया? तो इसका राइट आंसर होगा ए, केशव चंद सेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी बेसेंट ज़्यादातर किसके साथ जुड़ी हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा बी, होम रूल आंदोलन के द्वारा जुड़ी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त प्रस्ताव के साथ कौन जुड़े हुए थे? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड लिन लिथगो जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनवंतरी कौन थे? तो धनवंतरी एक चिकित्सक थे, इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद का काला हिस्सा जो हमेशा शांत और अंधकार में रहता है कहलाता है? तो इसका राइट आंसर ए है, शांति का सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने ध्रुव पर कितने डिग्री झुकी हुई है? तो इसका राइट आंसर ए होगा, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति CO2 उत्सर्जन सर्वाधिक होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, चीन में सबसे अधिक CO2 उत्सर्जन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील? तो विश्व की सबसे गहरी झील बैकोल झील है, तो इसका राइट आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडीजल का पौधा है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, जटोरा पोआ इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा मैदान नदी के तट पर पाए जाने वाले जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है? तो उसका राइट आंसर होगा ए, खादर कहा जाता है। इस पेपर हमने सभी सेक्शन को डिस्कस कर लिया सिवाय इंग्लिश को, तो इंग्लिश के लिए हम एक दूसरा वीडियो बनाएंगे, उसमें इंग्लिश के जितने बचे हुए क्वेश्चन हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। यदि आपको हमारे किसी भी क्वेश्चन पर डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि किस क्वेश्चन में डाउट है, और आपको हमारी वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूं। और आप हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर लीजिए। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर पेपर का एनालिसिस की बात करें तो पेपर इजी टू मॉडरेट था और जनरल वे में क्वेश्चन पूछे गए हैं, अब साइंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा गया है। तो नेक्स्ट पेपर की तैयारी करते हुए ध्यान रखिए कि आपको किस प्रकार की तैयारी करनी है, और पीछे दिए हुए जितने पेपर हैं उनका एक बार आप रिपीटेशन कर लीजिए, ताकि आपको उनमें से भी क्वेश्चन मिल जाए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट नेक्स्ट एग्जाम के लिए।